हेलो, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। जैसे मैंने बोला था, ये बहुत सही व्लॉग होने वाला है। और एक चीज़, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ ना, उसके पीछे ही एक इतनी खूबसूरत जगह है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एंड इतनी बजट फ्रेंडली है ये जगह कि मुझे 3000 में दो रूम मिले हैं, प्लस जो नेचर मुझे आसपास मिल रहा है भाई, ये नेक्स्ट लेवल है। तो जो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो टीनेजर्स है जो मनाली आने का सोच रहे, प्लीज़ पहला स्टे आपका जो है ना, द ड्रीम विलेज रेस्टोरेंट, थोड़ा सा मनाली की आउटस्कर्ट्स में आता है, बट ये विलेज बहुत वर्थ है। ये विलेज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट या फिर होटल ही है। खाना अच्छा है, पराठे भाई बहुत अच्छे थे, दूसरी चीज़ चाय भी बहुत अच्छी थी। एंड अभी आप नेचर देख लो। तो कैसा लगा आपको ये व्यू? अगर अच्छा लग रहा है तो आ जाओ। तो अभी हम लोग और एक जगह जा रहे हैं, यही पास में है। हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने, क्योंकि हम लोग एक्चुअली रॉक क्लाइंबिंग करने का सोच रहे थे वो वाले पहाड़ पे। बट सीन ये था कि जो सेटअप करना होता है वो लोग कल करेंगे, बट कल के लिए हमारा प्लान कुछ और था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे पैराग्लाइडिंग, जो मोस्टली इधर ही है पास में। अभी वहाँ जाएंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, फिर शाम को हम लोग जाएंगे मॉल रोड थोड़ा बहुत शॉपिंग करने, खाना खाने। थक गए, बहुत थक गए, बहुत काम करना पड़ रहा है। तो देख लो पैराग्लाइडिंग कैसे होती है। We'll be right back.
ठंड हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिखता है कि सुबह बिल्कुल ठंड नहीं थी एंड अभी तो 7 तक नहीं बजे, अभी बज रहे हैं 6:45 और यहाँ पे हो चुका है अंधेरा। तो अभी इस अंधेरे में हम लोग ट्रैवल करते हुए जाएंगे पहले मॉल रोड, जो कि हम लोग सुबह देखने वाले थे बट सुबह हुआ नहीं, तो हम लोग उसकी नाइट ब्यूटी देखने अभी जा रहे हैं। एंड हम लोग जाएंगे खाना खाने ओल्ड मनाली, जो कि म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक, खाना एंड बहुत सारे दूसरे चीज़ों के लिए भी लाइक फेमस है। तो अभी हम लोग कार निकालेंगे एंड पहले तो ओल्ड मनाली जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने थर्मल्स पहने हुए हैं अंदर एंड मैंने जैकेट, एक हुडी, नॉट हुडी, अ स्वेटशर्ट अंदर डाला हुआ है, तब भी मुझे बहुत ठंड बज रही है। स्टिल मेरे शूज़ थोड़े से वार्म हैं बट मेरे हाथ खुले हैं, तो मोस्टली मैं कैप लूँगा क्योंकि ये थोड़ी सी थिन कैप है एंड थोड़े से दूसरी चीज़ें जो मुझे वार्म रखने में मदद करेंगे। तो अगर आप नवंबर के टाइम पे आ रहे हो या फिर अक्टूबर के टाइम पे मनाली में, तो एक चीज़ करना कि गर्म कपड़े, मतलब ज़्यादा गर्म कपड़े मत रखना बट ऐसी चीज़ें रखना जो आपको वार्म रखे अंदर से, जैसे थर्मल्स या फिर जो वार्म पैकेट्स आते हैं जो ऐसे फोड़ने पे या फिर गर्म करने पे वार्म रखते हैं आपके हाथों को, तो वो चीज़ है। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है, आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड ट्रैवल कीजिए यहाँ पर।